सेंटेंस टाइप्स डियर स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज के बारे में बात करनी है कि किस तरह स्टूडेंट्स में सेंटेंसेस uh, जो है वो डिवेल्प होते हैं किस तरह ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो ईजी टू डिफ़िकल्ट उनमें डिवेल्प होता है इन जनरल कॉम्प्रीहेंशन ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेशनशिप एक्सप्रेसड इन सेंटेंस इम्प्रूवस थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स तो ये सेंटेंसेस की डेवलपमेंट या सेंटेंसेस की वेरियस टाइप्स की डेवलपमेंट जो है बच्चों में थ्रू आउट द स्कूल ईयर्स जारी रहती है और ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है द कम्पेरिटिव रिलेशनशिप इन एज बिग एज स्मॉलर देन एंड मोर फन देन इज ईजीएसट वन फॉर यंग स्कूल एज चिल्ड्रन टू इंटरप्रेट तो छोटे बच्चों के लिए इसकी इंटरप्रटेशन करना मुश्किल है इसलिए कि इसमें एडजेक्टिव और इस तरह यूज़ हो रहा है कम्पेरेटिव यूज़ हो रहा है कम्पेरिज़न हो रहा है एडजेक्टिव का और जो बच्चों की काग्नेटिव स्किल्स डेवलपमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट होती है नीडेड फॉर कम्पेरेटिव रिलेशनशिप्स डेवलप ड्यूरिंग द प्री स्कूल तो ये आ, प्री स्कूल के सालों में यानी स्कूल के सालों से पहले उनमें डेवलप होना शुरू होते हैं काग्नेटिव स्किल्स उनके रिलेशनशिप सच एज पैसेफ मोर डिफिकल्ट स्कूल एज चिल्ड्रैसेवाइज जो सेंटेंस है वो बच्चों के लिए समझना मुश्किल है एक्टिवाइज तो ये है जैसे अली राइट अ लेटर अली राइट अ लेटर अली एक ख़त लिखता है अब अगर इसका पैसे फकर बनाएंगे तो वो अ लेटर इज रिटर्न बाय अली तो ये पैसेवाइज फॉर्म है अब ये छोटे जो बच्चे हैं इब्तदाई सालों के यानी जो पहले यानी आठ दस साल के बच्चे हैं या इब्तई सालों के बच्चे हैं, उनके लिए मुश्किल है तो सेंस सेंटेंस प्रोडक्शन कंटिन्यूस टू एक्सपेंड डिंग स्कूल एज ये जारी रहती है लेकिन इसके लिए मुसलसल प्रैक्टिस और मुसलसल फीडबैक की ज़रूरत है और इसको आ, टीचर की निगरानी में ये जारी रहती है Throughout थ्रू adult years across individuals at all socio-economic level and all racial ethnic groups तो उन सब में ये जारी रहता है लेकिन ये याद रखें लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो सोशियो इकनॉमिक स्टेटस बैकग्राउंड या कॉन्टेक्स जो है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप को लैंग्वेज कैसे एक्सपोज हो रही है आप पे आप कैसे किस तरह के माहौल में आप uh, रह रहे हैं और कैसे आप लैंग्वेज uh, डिवेलप हो रही है इन एडिशन टू द बेसिक सेंटेंस टाइप अर्ली स्कूल एज चिल्ड्रन मे आल्सो बिगेन टू डिवेल्प एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोर कॉम्प्लेक्सेंटेंस मैंने बताया जू जु उनकी एज बढ़ती है उनके काग्नेटिव स्किल डेवलप होते हैं उनमें सेंटेंसेस टाइप्स भी उनमें उनकी डेवलप होती रहती है उनके सिंटैक्टिक रूल्स डेवलप होते रहते हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस uh, की तरफ मूव करते रहते हैं सो so, जैसा कि पैसिफ सेंटेंसेज हैं Uh, फिर इसमें एम्बेडिंग और कंजाइनिंग सेंटेंसेस भी हैं अब पैसिव सेंटेंसेस जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी अ सेंटेंस विच द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन और रादर देन द डूअर ऑफ द एक्शन जैसे द बॉल वाज़ किक्ड बाय द बॉय अब इसमें जो uh, जो बॉल है वो इसमें सब्जेक्ट है पैसेवाइज की सूरत में वो रेसिपियंट है एक्शन का ठीक है तो आ, खुद एक्शन करने की बजाय वो एक्शन का रेसिपियंट है और इसमें जो जो फाइल है यानी सब्जेक्ट है वो जो है वो मतलब वो द बॉल वॉज किक्ड बाय द बॉय तो बॉल पे एक्शन हो रहा है लेकिन उसको जो है आप समझ लें कि उसको एक दूसरे अंदाज से एक पैसिव अंदाज से उसको एक्सप्रेस किया गया है और इब्तदाई स्कूल के सालों में बच्चे ये सीखना शुरू करते हैं और लर्न हाउ टू रिकगनाइज एंड यूज सेंटेंसेस ड्यूरिंग दर रिटन एंड औरल स्पीच सो एम्बेडिंग क्या है एम्बेडिंग से मुराद ये है कि रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग वन क्लास और फ्रेस इन साइड एन अदर तो दूसरी क्लास के अंदर एक क्लास को शामिल करना मिसाल के तौर पर द कैट विच इज ब्लैक इज स्लीपिंग ऑन द कोट कोच अच्छा इन दिस सेंटेंस इसमें क्या है द फ्रेज जो है विच इज ब्लैक ये एम्बेडेड है इन साइड द सेंटेंस तो एम्बेडिंग क्लास uh, करके उससे ये है कि फिक्रा कॉम्प्लेक्स हो गया uh, उस उसके लिए uh, और uh, जो ब्लैक विच इज ब्लैक यानी कैट जो है वो ब्लैक है इससे वो एक्सप्रेस हो रहा है अब कंजाइनिंग क्या है कंजाइनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू आर मोर सेंटेंसेस टूगेदर यूजिंग कंजक्शंस सच एज एंड बट एंड आर तो फॉर एग्जाम्पल आई वेंट टू स्टोर एंड बॉट सम तो ये दो फिक्रों को जैसे मिलाकर बनाया गया एंड से एंड इसमें कंजक्शन वर्ड्स यूज हुआ है आई वेंट टू स्टोर एंड बॉट ये दो सेंटेंसेस हैं दोनों अपना अपना मफहम पूरा अदा कर रहे हैं अब सेंटेंस टाइप की जो एग्जांपल्स है एम्बेडिंग एंड कंजाइनिंग की आ, सालों के मतलब एज के लिहाज से उनकी हम एग्जाम्पल्स आपको देख सकते आपको नजर आ रही है इस, इस आ, टेबल में तो 61 वन में आई थिंक आई डोंट नो वट दिस इज अब ये मल्टीपल क्लासेस क्लासेस हैं ठीक है इसमें ज्यादा क्लासेस मिल रही हैं द फ्रॉग जस्ट यू अप नो कु लुक हाउ बिग इट इज तो uh, क्लाजल कंजाइनिंग एंड एम्बेडिंग इसमें दोनों मिसालें शाम हैं ठीक है और सिक्सटी फोर मंथ्स में आप देखें निकी सैड इट वॉज रियल बट मोमी सैड इट वॉज बिकॉज शी ट्राई टू हेट इट एंड शी ब्रोक इट आप एम्बेड एंड कंजाइनिंग क्लाजेस तो इस तरह जो जो जु बच्चों की एज बढ़ती है तो उनमें यह सलाहियत भी बढ़ती जाती है एम्बैंड एम्बैडिंग uh, की भी और कंजाइनिंग की भी सो सेवेंटी टू मंथ्स की एज में आई गॉट हिट इन द आई विद अ बेस बॉल बैट फ्रॉम द जिम सो मल्टीपल प्रपोजिशनल फ्रेज एम्बेडेड है इसमें और सेवेंटी थ्री मंथ्स की एज में द पीपल अक्रॉस द स्ट्रीट आर गोइंग टू पोस्ट नाउन मॉडिफायर्स है तो ये थी सेंटेंसेस टाइप्स की एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने बयान की है